हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं दशमलव की संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। दशमलव संख्या का वर्गमूल कक्षा 8 की गणित अभ्यास 2E का पहला सवाल है। -8 84.8241 एक इसका निशान है वर्ग का। पहले इसे भाग से निकालेंगे। आठ 84.8241, तो उसको हम पहले इधर से दाएं ओर से जोड़ा बनाते हैं। एक दो वर्ग, एक का स्क्वायर बराबर 1, दो का स्क्वायर बराबर 4, तीन का स्क्वायर बराबर 9, पाँच चार का स्क्वायर बराबर 64, उसके बाद 5 का स्क्वायर बराबर 16, 5 25, उसके बाद 6 का 36, 8 7 का 7 का स्क्वायर बराबर 49, 8 का स्क्वायर बराबर 64, 9 9 81, 4 में से 1 गए 3, उसके बाद यहाँ दशमलव लगेगा, उसके बाद 8 2, यहाँ 9 प्लस 9 प्लस 9 9 18। अब हमको देखना 18 12 18 9 36, तो 2 2 चला जाएगा, तो 182। जाओ यहाँ जिससे भाग देते हैं, यहाँ गुणा कर, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2 1 3, 364। 12 में से 4 गए 8, ये बचा 7, 7 में 6 गए 1, उसके बाद 4 1 उतारे, फिर 2 2 2 4 8 1, उसके बाद यहाँ हम करेंगे एक बार, तो आ जाएगा 18 41। तो वर्गमूल कितना आ गया? अंडर रूट 84.8241 बराबर 9.21 आंसर। 150.0625 इसका हमको भागभाग से वर्ग निकालना है। इसको भागभाग से करेंगे। ए 150.0625 पहले जी 10 जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो 1 1 कम 1, तो 1 में से 1 गए 0, फिर प्लस 1 जोड़ देंगे 1 1 2, फिर 1 जोड़ा उतारेंगे 50, तो 2 2 12 5 9 5, तो 2 2 4, तो 2 2 चला के जाएगा 2, तो 22 2 44, 10 में से 4 गए 6, मतलब 4 में से 4 गए 0, उसके बाद फिर 1 जोड़ा उतारेंगे 6, फिर 2 2 4 2, उसके बाद 2 का पहला पहलो 6000, 2 3 6, 3 9, देखिए 200 243 3, 3 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
दो दो, दो दूनी चार, दो चौके आठ, दो दूनी चार, छ में से चार गए दो, 10 में से 8 गए दो, उसके बाद 6 में से 4 गए, 6 में से 4 गए दो, उसके बाद 25 पूरा पूरा उतारेंगे एक जोड़ा,
इसमें प्लस का दो जोड़ेंगे, फिर दो दो चार, चार दो, उसके बाद पाँच दो पचाम, पूरा पूरा कट गया, तो वर्गमूल कितना आ गया, अंडर रूट 150 दशमलव 0625 का वर्गमूल आ गया कितना है, 12.25। आंसर 477.4225। ये हम इसको हल करेंगे भाग विच से, 477.4225। पहले जोड़ा बनाएंगे, एक दो, तो दो दूनी चार, तो दो दूनी चार, चार में चार के जीरो, उसमें प्लस दो जोड़ेंगे, दो दो चार, इसके बाद एक जोड़ा उतारेंगे, सात, 77, चार दूनी आठ ज़्यादा हो जाए तो एक दाव करेंगे, 41 कम 41, सात में से गए छः, सात में चार गए तीन, उसके बाद एक जोड़ा उतारेंगे 42, यहाँ पहले यहाँ दशमलव, तो यहाँ दशमलव लगा कर उसके बाद 42 उतारेंगे, 42, पहले एक एक दो चार, ये हमारा आठ दांव चला जाएगा, आठ दांव, तो जब यहाँ आठ लिखते हैं फिर यहाँ भी आठ लिखते हैं, आठ टाई 64 और आठ दूनी 16 22, तो कितना आ गया 34 24, तो 12 में से चार गए 8, ये बच्चा 3, 3 में से 2 गए, 3 में से 2 गए 1, उसके बाद ये बना 6 में से 4 गए 2, उसके बाद 25 पूरे पूरे उतरेगा, 25 एक जोड़ा ये 25 उतरेगा, 25, तो 8 8 16, 2 1 3 4, उसके बाद कराएंगे हम सीधे पाँच दाव, पांच बार कराएंगे तो पच, यहाँ भी पांच हो जाएगा, तो पचाम 25, 5 31, 2 32, 8 2 1, तो हमारा आ गया 0, तो वर्गमूल कितना आ गया, 477.4225 का वर्गमूल आ गया 21.85। आंसर था 225.6004। इसको भाग विच से वर्गमूल निकालना है, इसको हम भाग विच से निकालेंगे, 225.6004। पहले हम दाएं ओर से जोड़ा बनाते हैं, एक दो, उसके बाद एक के वर्ग में आ जाएगा एक कम एक, दो के वर्ग में ज़्यादा हो जाएगा दो, दो चार ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद दो में से एक गए एक, प्लस का एक जोड़ते हैं, एक एक दो, उसके बाद फिर एक जोड़ा उतारेंगे, दो पाँच, उसके बाद हम करेंगे दो छंग 12, तो पाँच आ जाएगा, 25 पंचे 125 125, 0 0 0। अब हमारा यहाँ पूरा फाइनल होगा, तो यहाँ दशमलव, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, उसके बाद एक जोड़ा उतारेंगे 60, तो पाँच दाँच जोड़, पाँच जोड़े पाँच पाँच 10, 2 1 3, तो हम कराएंगे 30, एक दाँव कराएंगे तब भी ज़्यादा हो गया, 300 ज़्यादा हो गया 300, तो कराएंगे 0 दाँव, तो यहाँ 0 आ गया, तो 0 0 आ गया 60, उसके बाद फिर उतारेंगे 0 4, तो यहाँ 0 में 0 जोड़ेंगे 0 0 3, उसके बाद हम कराएंगे दो दो, हाँ दो दो, दो दूनी 4, 2 9 0, 2 9 0, 2 3 6, तो हमारा आ गया
25.6004 का वर्गमूल हो गया 15.02, 15.02 आंसर, 15.02 आंसर। पांचवा है 0.00008281। पांचवा सवाल तो हम चलो हल करते हैं, चलिए हल करते हैं इसको। 0.00008281, पहले दाएं उसे जोड़ा बनाएंगे, 1, 2, 2। चलिए इसको हल करते हैं, इसका मतलब कुछ नहीं, 0.10, फिर 10, उसके बाद फिर करेंगे 82, तो 9 9 9 81, तो 2 में से 1 गए 1 8, इसके बाद फिर उठा रहे हम 8 1 8 1, तो 9 9 18, तो 1 दांव कराएंगे तो आ जाएगा 181, 0 0 0, तो हमारा वर्गमूल आ गया 0.00008281 बराबर 0.001, ये हमारा गया आंसर। सॉरी, यहाँ 9 दांव ले गए थे, 9 9 81, यहाँ देखिए 9 9 81, तो 9 दान लिखे। दूसरा है, निम्नांकित के प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल 0.00 के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। पहला 1.7, तीसरे स्थान तक कह रहे हैं तो हम 4 दांव चौथे स्थान तक ले जाएंगे। 1.7 का वर्गमूल निकालें तो हम बनाएंगे जोड़ा 1.7, उसके बाद 0.00 के कितने, 3 निकटतम, 1 2 3 4 जोड़े बनाएंगे हम, उसके बाद इसको हल करेंगे, 1 1 कम 1 खत्म, तो 1 1 2, उसके बाद यहाँ 0.00 है, 0.00 हो गया, 0.00 बनाएंगे तो 70 उतारेंगे, 2 3 6, यहाँ तो जब यहाँ 3 से होगा गुणा तो यहाँ भी 3 से लिखा जाए, 3 23 3 3 9, 3 2 6 69, 10 में से 9 गए 1, और 7 में से 6 गए 0, फिर क्या होता है 2 1 जोड़े उतारेंगे 0 0, 3 3 6 2 26, 1 दांव कराएंगे तब भी ज़्यादा, 0 दांव कराएंगे तो 0 दांव आ जाएगा, अगर 0 0 1, फिर उतारेंगे जोड़ा, 1 0 2 0, तो 0 0 6 2, उसके बाद 5 5 के ले जाएंगे हम 3 दांव, 3 3 3 9, 3 0 0, 3 6 18, 3 2 6 7, 78 0 9, तो घटाएंगे 10 में से 9 गए 1, ये बचा 9, ये बना 9 9 में से 8 गए 1, ये बना 9 में से 7 गए 2, उसके बाद फिर इसको उतारेंगे 21 91 0 0, इसमें 3 3 3 6 0 6 2, उसके बाद ले जाएंगे हम डायरेक्ट 8 बार, तो कितना आ जाएगा, 8 बार ले जाएंगे तो 20 20 85 44 85 44, ये बना 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गए 5, ये बना 10 में से 5 गए 5, ये बना 8 से 8 गए 0, उसके बाद 1, तो 10 5 5 56, तो 1.7 का वर्गमूल आ गया 1.3
जीरो तीन आठ, तो आठ जब हम गायब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक तीन जीरो चार हो जाएगा, जो तीन हो चार एक अंक बस। 23.1 तीसरे स्थान तक, 23.1 जिसको हम भाग से करेंगे 23.1, उसके बाद कितने तीन स्थान तक, एक जोड़ा दो जोड़ा तीन जोड़ा चार जोड़ा तक बनाते हैं। तो 4 चौक 16, 55 ज़्यादा हो जाए, 4 चौके 16, 6 में से 13 में से 6 गए 7, उसके बाद 2 में से 1 में से 1 गए 0, तो क्या उतारेंगे, यहाँ हो गया तो यहाँ दशमलव बढ़ जाएगा, दशमलव लगाएंगे, उसके बाद 1 0 1 जोड़ा उतारेंगे, उसके 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, अब 8 9 72 ज़्यादा हो जाए, 8 8 7 56 8 8 64, 8 दाँव 8 दाँव चला जाएगा, यहाँ जब गुणा करेंगे 8 से तो यहाँ भी 8 से करेंगे, 8 9 64, 8 9 64 65 66 67 68 69 70 704। तो 10 में से 4 गए, 10 में से 4 गए 6, उसके बाद ये बचा 9 9 9 आ गया, उसके 96। सॉरी, जब यहाँ से हम उधार लिए तो ये बनेगा 0, तो यहाँ आ जाएगा 0, तो क्या उतारेंगे, एक फिर एक जोड़ा उतारेगा 0 0, फिर इसमें 8 जोड़ देंगे, 8 8 16 8 1 9 96, तो एक दांव करेंगे तब भी ज़्यादा हो जाएगा, 0 दांव करेंगे तो 0 0 0 0 0 6, उसके बाद फिर एक जोड़ा उतारे, उसके बाद एक जोड़ा उतरेगा 0 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 में जोड़ेंगे तो 0 0 6 9, उसके बाद कितने बार ले जाएंगे हम 6 दांव, 6 दांव ले जाएंगे तो आ जाएगा 6 6 36 57 6 36 57 6 36, उसके बाद घटाएंगे, 10 में से 6 गए 4, ये बचा 9, 9 में से 3 गए 6, बना 9 में से 6 गए 3, बना 9 में से 7 गए 2, उसके बाद ये 5 5 में 5 गए 0, फिर उठाएंगे 0 0, 6 6 12, उसके बाद 0 1 हो जाएगा 6 9, इसके बाद 2 दांव कराएंगे 2 बार, 19 22 44, 4 4, ये 4 है 4, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 44, 156 156, तो हमारा आएगा 2 3.1 का वर्गमूल आएगा पहले 4.8062, तो 2 5 से छोटी है तो यहाँ हो जाएगा 4.806 आंसर, 2 गायब करेंगे तो 5, 5 का तीसरे स्थान तक दशमलव ज्ञात करना है, 5 का निकालेंगे 5.3, एक जोड़ा दो जोड़ा तीन जोड़ा उसके बाद 4 जोड़ा तक बनाते हैं, एक जोड़ा इसमें बना तो 2 2 4 2 2 4, 5 में 4 गए 1, उसके बाद यहाँ दशमलव, तो यहाँ दशमलव लगेगा 0 0 उतारेंगे, 2 2 4, फिर कितने दांव ले जाएंगे हम 4 दांव, 2 5 10 4 दांव, 2 4, 4 चौके 16, 4 चौक 16, सारे 2 दांव जाएगा बस, यहाँ होगा 2,
इसके बाद यहाँ भी होगा दो, तो दो दूनी चार, उसके बाद दो चौके आठ, 84, 10 में से चार गए, 10 में से चार गए, 10 में से चार गए छः, 9 में से आठ गए एक, उसके बाद दो में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दो दो चार, चार उसके बाद फिर कौन सा जोड़ा उतारेंगे, ये जोड़ा 0 0, फिर यहाँ हम ले जाएंगे 3 बार, 3 बार, 3 3 9, 3 4 12, 3 4 12 13, 1329, 10 में से 9 गए एक, 9 में से 2 गए 7, 5 में से 3 गए 2, फिर जोड़ा उतारेंगे 0 0, फिर 3 जोड़ेंगे 3 3 6, 4 4, 446, उसके बाद हम ले जाएंगे डॉट 6 बार, 6 6 36, तो आ जाएगा हमारा 26 796, 96, तो यहाँ घटाएंगे 10 में से 6 गए 4, 10 में से 6 गए 4, ये बना 9, 9 में से 9 गए 0, उसके बाद बना 11, 10 में 7 गए 2, अच्छा बना ख़त्म, फिर जोड़ा उतारेंगे 2 0 0, उसके बाद 6 में 6 जोड़ेंगे 6 6 12, 6 1 7 4 4 चार सात, उसके बाद फिर ले जाएंगे हम डायरेक्ट कितनी बार ले जाएंगे, 44 72, ये है 20 400, 20 400 ज़्यादा ना हो पाए, हम डायरेक्ट ले जाएंगे 0 बार, 0 बार, तो हमारे गया 20 4, 20 400, तो अंडर रूट 5 का मान आ गया 2.2360, जब हम 0 गायब करेंगे सिर्फ केवल आ गया 2.236, हमको तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है दशमलव के, 1 2 3, 23 237.615, चलिए इसको हल करते हैं, 237.615, पहले इसका हम जोड़ा बनाएंगे, ये होगा 1, उसके बाद ये होगा 2, ये हो गया 3, उसके बाद ये हो गया 4, उसके बाद ए ए, एक एक कम एक, तो 2 में से 1 गए 1, उसके बाद 3 7 आएंगे, 1 1 2, 5 चले जाएगा, 5 125, 25 5 125, यहाँ 10 में लगा 5 7 में 5 गए 2, 3 में से 2 गए 1, अब यहाँ दशमलव है, अब पूरी संख्या फाइनल हो गई, मतलब भाग कर लिए, इसके बाद दशमलव यहाँ लगा लेंगे, उसके बाद एक जोड़ा उतारेंगे 61, उसके बाद 5 5 10 2 1 3, 3 4 12, तो हम 4 दांव करें देखिए ज़्यादा, हाँ 4 दांव चला जाएगा, 4 दांव, तो यहाँ भी 4 लिखा जाएगा, वहाँ भी 4 4 4 16 पूरा पूरा लिखा जाएगा, क्योंकि 0 है, 4 3 12, 11 में से 6 गए 6 5 11, 5 में से 1 गए 4, इतना 2 में से 2 गए 0, 2 में से 1 में से 1 गए 0, उसके बाद क्या उतारेंगे 5 0, मतलब 50 उतारेंगे एक, उसके बाद 4 4 8 0 3, 8 0 3,
340 कितना है, एक दाम चला जाएगा, एक दाम ले जाएंगे, एक दाम कितनी दाम, वन दाम, तो आ जाएगा वही 30 0 81। तो 10 में से एक गए 9, एक बार 14, हम 14 में से 8 गए 6, 8 से 14, इसके बाद 4 बचा, ये 4 में से 3 गए 1, उसके बाद 00 उतारेंगे, मतलब एक जोड़ा, फिर 1 1 2 8 0 3, उसके बाद 14 हजार, 21 2.5 11 हजार, 10 हजार, लाख, 1,06,900, ज़्यादा ना हो पाए। फिर हम 4 दांव करेंगे, 4 बार कितना आ जाएगा, 4 दांव गुणा कराएंगे, 21 2.5 11 हजार, 10 हजार, 30 हजार, 824 को 4 दांव गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 130, 296। 10 में से 6 गए, 10 में से 6 गए 4, उसके बाद 9 में से 9 गए 0, इवन 8 में से 2 गए, 8 में से 2 गए 6, 6 में से 3 गए 3, 4 में से 2 गए 2, उसके बाद फिर 0 उतरेगा, 0 0, अच्छा 4 4 8 2 8 0 3, उसके बाद हम डायरेक्ट 6 दांव करते हैं 6 बार, उसके बाद डायरेक्ट हम 6 दांव कराएंगे, 6 बार कराएंगे, 6 बार, तो उसके बाद इसको 21 2.5 11 हजार, 10 हजार, लाख, 3,82,686 को हम करेंगे 6 बार गुणा, तो कितना आ जाएगा, 1 1 8 4 9 7 1 6, तो इसको घटा देंगे कितना आ गया, 10 में से 6 गए, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गए 8, उसके बाद ये बंद 13 में से 7 गए, 7 6 13, इसमें 9 9 में से 9 गए 0, ये बना कितना, 5 5 में से 4 गए 1, उसके बाद 13 8 5 13, 51, उसके बाद आ गया 23 7 615 का वर्गमूल आ गया 15.41, 4 6 4 6, तो हमको 3 अंक तक ज्ञात करना, 15.41 41, उसके बाद यहाँ 6 गायब करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 से छोट बड़ी है 6। आंसर 5वां सवाल, 0.01016, पहले जोड़ा बनाते हैं, 0.016, ये बन गया 1, उसके बाद ये बन गया 2, उसके बाद ये बन गया 3, उसके बाद ये बन गया 4, तो 0 को मतलब कुछ नहीं, 0 तो यहाँ 0 लिख देंगे, उसके बाद 0.11, 1 एक एक 2, 1 में से 1 गए 0 0, 6 0, उसके बाद 2 दांव, तो यहाँ फिर 2 दांव, 22 दूना 2 2 4, 2 3 2 4, 44, 10 में 6 गए, 10 में 4 गए 6, 5 में 4 गए 1, उसके बाद फिर 1 अंक उतारेंगे 0, तो यहाँ 2 जोड़ेंगे 2 2 4, उसके बाद 2, तो उसके बाद करेंगे 2 8 16, तो लगभग 7 दांव चला जाएगा। चौबीस से 7 दांव भी ज़्यादा हो जाएगा, हमको कुछ करना है 6 बार, तो यहाँ करेंगे 6 6 6 छत्तीस, 6 6 24 25 26 27, 27 के 7 हासिल, 2 6 2 12 13 14 15, 14, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 7 गए 2, 5 में 4 गए 1, फिर उतारेंगे 0 0, उसके बाद 6 जोड़ेंगे 6 6 12, उसके बाद 4 1 5 2, उसके बाद फिर कितनी बार कराएंगे हम,
डॉट 4 बार करेंगे, 4 बार, 4 चौके 16, 25, 1 2 3 4 5, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 9, 4 पंचे 20, 0 हंसी नंबर 2, 4 दूनी 8, 2 10, 6 आ गया, 6 10 में से 9 मशीन हो गया 0, 3 2, तो हमारा आ गया 0.016 का वर्गमूल 0.264, 5 से छोटी है 4, तो 0.2, 1 नहीं लिखे सॉरी, तो 1 1 6 या 0.126 आंसर। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जो चीज़ ना समझ में आ रही हो उसे कमेंट बॉक्स में छोड़ें।